वो पहले कहते हैं ना उनको उनकी औकात दिखा देते हैं, और अब भी उनको उनकी औकात उनके जिले में दिखा देंगे। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये था कि उनको इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था। नहीं है, बंद नहीं है, टोल भी बंद नहीं है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सड़कें भी नहीं रुकी वहाँ के। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी, आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गुरनाम सिंह चडूनी। बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि पंजाब मिशन की शुरुआत एलनाबाद उपचुनाव से करने गुरनाम सिंह चडूनी, उन्हें पता चल जाएगा उनकी कितनी लोकप्रियता है। ये कल से पहले कहते हैं ना वो, ये तो नॉमिनेशन भरने का टाइम खत्म हो गया है। वो पहले कहते हैं ना उनको उनकी औकात दिखा देते हैं, और अब भी उनको उनकी औकात उनके जिले में दिखा देंगे। कितनी वोट पड़ती है उन पर अभी दिखा देंगे। ये तो पहले कहना चाहिए था, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते अगर ऐसा चैलेंज था उनका। तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए। नहीं देखिए, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला था कि हरियाणा में हमने इस पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना है, और हमने भी इस पे कोई ऐलान नहीं किया, तो मन नहीं बनाया था। हमने मिशन पंजाब का मतलब पंजाब में चलाया था, हरियाणा में तो चलाया ही नहीं अभी, क्योंकि हरियाणा में तो सब इलेक्शन था, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी। अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। आप पता नहीं बीजेपी को फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये था कि उनको इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था। जो जितना आदमी अंदर बैठ के लड़ सकता है ना, उतना बाहर खड़के नहीं लड़ सकता। उनको अगर वो इस्तीफा ना देते तो शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छे बहस कर सकते थे। मेरे कहने का जो मतलब था वो ये था, और दे दिया, बाकी उनकी मर्जी है, राजनीति है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं अभय चौटाला अगर चुनाव लड़े तो? नहीं, अभय चौटाला का अगर विरोध करेंगे फिर वो लांछन आएगा, लांछन आएगा, इसलिए हम कोई लांछन नहीं लेना चाहते। हमारा कोई ये नहीं है कि हम कोई किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं या किसी का फायदा कर रहे हैं, वो नहीं है। हमारा तो जो फोकस है वो अपने आंदोलन पे है, जो हमारे आंदोलन के दोषी हैं उनकी विरोध जरूर करेंगे। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जो लखीमपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ लिंचिंग, उसको वो गलत नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो वैसा एकदम हाइट ऑफ द मोमेंट था, तो आप भी क्या उस चीज़ को सही मानते हैं? देखिए, अगर हमारे घर पे कोई हमला करने आएगा, पहली बात तो मॉब है, जब लोग पता नहीं किसने कहाँ क्या किया, जब एकदम यहाँ कुछ हो जाए तो एकदम हमें तो थोड़ी पहचानने की कौन है, ये क्या है, सभी एकदम भड़क जाते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, कोई उनको वहाँ उनके घर पे हमला करने नहीं गया, वो लोगों पे हमला करने आया, और ऐसे कुचल दिया लोगों को, मतलब कुत्ते का बच्चा भिजा बनाया जाए तो आदमी नहीं कुचल सकता उसको, ऐसे इनको कुचल दिया है आंदोलनकारी किसानों को। तो मैं तो ये कहूँगा ये SKM के ऊपर हमला है, ना कि उन किसानों पर। मैं बिल्कुल मानती हूँ जो किसानों के साथ वो बहुत गलत, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बहुत दर्दनाक, लेकिन इन सब में कानून हाथ में ले लेना, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी उसमें मृत्यु। देखिए, कानून हाथ में लेना कोई ये नहीं है कि हमने किसी को कहा है कानून हाथ में ले, लेकिन एक प्रतिक्रिया होती है। जो आदमी मेरे को मारने आएगा तो जो मेरे साथ खड़े होंगे उसका मुंह तो देखेंगे नहीं, या ये कहेंगे भैया तू मार ले, अगर मैंने मारा तो मेरे पे केस हो जाएगा, भैया तू मार ले, मैं तो केवल बस केस करूँगा, ये तो कहेगा नहीं कोई। अब जो हमला करने आया, जिसने मार दिया लोगों को, उसके ऊपर तो लोग अटैक करेंगे, प्राकृतिक है, और ये मॉब है, किसने मार दिया, किसने क्या किया पता नहीं है, उस वक्त का गुस्सा था ना कि कुछ। राकेश टिकैत जी का ये कह देना कि मैं इस लिंचिंग को गलत नहीं मानता, ये आप सही मानते हैं? देखिए, इसमें गलत का और सही का इसमें सवाल नहीं है, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि मौके के हिसाब से क्या होता है। अगर कोई आपके परिवार को कोई कुछ करे तो आपका स्वाभाविक उस पर हमला करेंगे, प्रकृति कह के करेंगे, आप खड़ के ये नहीं देख सकते। सर, मैं एक बार भी ये जस्टिफाई नहीं कर रही, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो भी हुआ लिंचिंग, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसानों के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, दर्दनाक, बल्कि जल्द से जल्द सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो राकेश टिकैत जी ने बोला उस पर मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही यहाँ किसी भी चीज़ को। देखिए, जो राकेश टिकैत ने बोला है, मेरे ख्याल से उसने कोई गलत नहीं कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा, मौके पे जो लोग ऐसे करेगा वो होना स्वाभाविक है, और राकेश टिकैत ने जो बोला इस मामले में ठीक है। अच्छा सर, मैं देख रही हूँ जो किसान आंदोलन की जो ताकत है वो हरियाणा में जिस तरीके से टोल बंद है, मैं यूपी गई, यूपी में क्या आंदोलन फीका पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि टोल वहाँ पे बंद नहीं है, यहाँ पे जिस तरीके का किसानों ने सरकार पर दबाव बना रखा है वैसा यूपी में देखने में क्यों नहीं? देखिए, ये फिर आपस की टिप्पणी हो जाती है, ये आप लोग तो टिप्पणी कुछ भी कर सकते हो, अगर मैं ये टिप्पणी करूँगा। टिप्पणी नहीं कर रही सर, मैंने देखा है वो बता रही हूँ, देखो मैंने हरियाणा में देखा टोल बंद है शुरू से, यूपी में नहीं है, नहीं है, बंद नहीं है, टोल भी बंद नहीं है,
वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सड़कें भी नहीं रुकी, वहाँ घेराव भी जो है अब कुछ जो है तराई का इलाका है, तराई के इलाके में घेराव होना शुरू हुआ है या उनका खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया, जो परला इलाका उसमें अब भी नहीं है। सर, तारू सिंह जी, शहीद तारू सिंह जी का जन्मदिवस है, शहीद तारू सिंह जी का जन्मदिवस है, आपने उस पर एक बार भी बात नहीं करी आज। तारू सिंह का जन्मदिन आज नहीं है जी, तो हमने कल पोस्ट पा दी थी उसकी। हाँ जी, नहीं आपने उनकी बात नहीं करी, क्योंकि मैं बस ये सवाल, देखिए स्टेज पे सब कुछ करना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हमने उसकी कल पोस्ट पा दी थी। चलो आगे, हमारे महान शहीद हैं, हमने उसकी पोस्ट डाल दी थी, हम इतना ध्यान रखते हैं, वैसे तो हम 16 कला संपूर्ण नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमने फिर भी पोस्ट डाल दी। सर, ये सवाल लेने का पीछे मकसद ये था कि आजकल नेता पोस्ट डाल देते हैं, नेता चाहे वो कोई भी नेता हो, पोस्ट हर चीज पे डालना, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, हमारे जो शहीद हो गए, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पीछे रह गई? देखिए, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है ना, वो ये है कि किसी जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाना, कटवा देंगे, ठीक है, आप उसको जो भी तसीहे दे के उनको शहीद किया गया, तो वो एक मिसाल है, एक जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाना। तो अब मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि टाइम नहीं आया हमारे सामने, अगर आ गया तो परीक्षा देंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूरी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।